हेलो डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट, या फिर हम इसी टॉपिक को एक दूसरे नाम से बोल सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंडेड प्रोसेस चार्ट। ठीक है जी, तो जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम हो गया टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट। ठीक है, या तो हम दोनों हाथ की बात कर रहे हैं या फिर हम लेफ्ट एंड राइट हैंड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा एक टॉपिक का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको चार्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, प्रोसेस चार्ट जितने भी होते हैं उसके बारे में बताया था, इंक्लूड विथ सिंबल बताया था। ठीक है, किस तरह से ऑपरेशन के होते हैं ये सब बताया था। ठीक है, और मेनली मैंने आप लोगों को ये चीज़ आइडेंटिफाई की थी कि जैसे हम सीमो चार्ट के बारे में पढ़ा था हमने। सीमो चार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? साइमल्टेनियसली। ठीक है जी, सीमो चार्ट का साइमल्टेनियसली प्रोसेस चार्ट। ठीक है, मोशन साइकिल प्रोसेस चार्ट, साइमल्टेनियसली मोशन साइकिल प्रोसेस चार्ट। ठीक है, तो अगर जब हम सूमो चार्ट की बात करते हैं बेटा, तो सूमो चार्ट का मतलब ये होता है कि हमें जो भी एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, किसी भी सिस्टम में जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, अगर उन एक्टिविटी को हम क्या साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ क्या परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक, तो सीमो चार्ट का काम ये होता है बेटा कि अगर ऐसा पॉसिबल हुआ, ठीक है, तो उससे आपका सबसे एडवांटेजफुल पीरियड ये होता है कि जब कोई चीज़ साइमल्टेनियसली वर्क करती है, तो फिर आपका क्या होता है कि जो एक डिफरेंस ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है ना किसी भी सिस्टम में एक्टिविटी का, वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑपरेशनल एक्टिविटी की बात करें, चाहे तो कोई भी ट्रांसफ़र एक्टिविटी की बात करें, एक जगह से दूसरी जगह कोई हम मूवमेंट करा रहे हैं अगर, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, सूमो चार्ट जो होता है वो बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, जो आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई कर देता है कि किस तरह से हम चाहें तो साइमल्टेनियसली एक्टिविटी को मतलब कर सकते हैं, और अगर उसके बेसिस पर जो हमारे सिंबल्स के अकॉर्डिंग हम अगर चीज़ों को मेंशन करना चाहें तो हमें आइडेंटिफाई होता रहता है कि कब हमारी चीज़ें एट प्रेजेंट टाइम वर्किंग प्रोसेस में है और कब वो वर्किंग प्रोसेस से बाहर हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारा पीछे का जो डिस्कशन था सीमो चार्ट में, वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। ठीक है जी, दूसरा मैंने आपको जो सीमो चार्ट के साथ कुछ ऑपरेशनल व्यू आपको बताए थे कि किस तरह से हम सिंबल का यूज करके तुरंत इमीडिएटली हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी जो एक्टिविटी हो रही है वो एट प्रेजेंट टाइम कौन सी एक्टिविटी हो रही है और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड टूल्स की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें डिपेंड कब करती हैं? जब आप सीमो चार्ट को एज ए परफॉर्मर के तौर पर आप अपने वर्किंग स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका एक मेन एडवांटेज होता था। ठीक, अब आज जो हम बात कर रहे हैं बेटा, आज हम जो इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है 200 और लेफ्ट एंड राइट हैंड प्रोसेस चार्ट। ठीक है जी, तो बेसिकली जो मैंने चीज़ें आप लोगों को अभी तक बताई हैं उसमें मोस्टली सारी की सारी स्टडी है। ठीक है, जैसे हमने मेथड स्टडी की बात करी, उसके बाद हमने मोशन स्टडी की बात करी, उसके बाद हमने टाइम स्टडी की बात करी, तो ये भी एक स्टडी ही है, लेकिन एक चार्ट के फॉर्म में हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक बंदा, ठीक है, जिसके दो हाथ होते हैं,
तो एक बंदा का डेफिनेटली बात है कि एक हाथ ज़्यादा वर्क करता है, दूसरा हाथ कम वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों, अगर मान लो जो वर्क कम करता है, जो हाथ वर्क कम करता है, अगर वो हाथ मान लो आपका वर्किंग में नहीं है, मतलब आप उसको वर्क में यूज नहीं कर पा रहे हैं, या वो हाथ आपका नहीं है सपोज़, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक जो सपोर्टिंग हैंड होता है वो आपका ख़त्म हो जाता है। तो उस सिचुएशन में कभी कभी आपको एक जो रिलैक्सेशन होता है ना वर्किंग में, वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। तो 200 प्रोसेस चार्ट के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा कि जो भी हमें काम दिया गया है उस काम को अगर कंटिन्यूसली और रेगुलरली करना है, ठीक, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम तक, तो किस तरह से हम दोनों हाथों को मैनेज करके उस काम को उस स्टेज पर ले जा सकते हैं जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उसको ले जाना है, ठीक है। तो 200 प्रोसेस चार्ट और राइट और लेफ्ट 100 प्रोसेस चार्ट की बात करें तो ये इसका एक बेसिक सा मीनिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक से संबंधित, अगर हमें कुछ चीज़ें समझनी है कि हमें क्या चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, शर्तें क्या हो सकती हैं इसकी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आप मोशन स्टडी और टाइम स्टडी को पढ़िए, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें मेंशन होंगी कि मैं क्यों आपके सामने 200 प्रोसेस चार्ट को आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट स्किल होगी तभी हम इस चार्ट का प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं, और एक मैकेनिकल एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये तीन कॉमन से शर्तें होती हैं जो किसी भी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आप हर एक चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल होती हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कई तरह के एक्टिविटी होती हैं। अब वो सारी एक्टिविटी अंडर दी सिस्टम हो रही हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई सिस्टम के बाहर कोई बंदा है, उस बंदे को उन सब एक्टिविटियों के बारे में नॉलेज लेना है, इट मीन्स दैट कि उसको पता करना है कि अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो हमारे फ्लो प्रोसेस चार्ट होते हैं, जो हमारे मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट होते हैं, जो हमारे आउटलाइन प्रोसेस चार्ट होते हैं, ये सब बेनिफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। ये कब बेनिफिशियल हो जाते हैं कि हमको अगर वर्कर के ऊपर एक अपनी कंट्रोल रखना है, मतलब कि वर्कर की हमें पूरी एक्टिविटी के बारे में अगर पता करना है, तो इन चार्ट्स के थ्रू हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑपरेशंस की बात करें, जो ऑपरेशन वहाँ पर हो रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, तो उसमें अगर मेन वर्क यूज हो रहा है तो वो कितना प्रोडक्टेबल है, कितना नॉन प्रोडक्टेबल है, ये सारी चीज़ें हम मेंशन वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स की, तो कंटेंट्स में सबसे पहले मैं आपको 200 प्रोसेस चार्ट के बारे में एक जो बेसिक मैंने मीनिंग बताया, अब मैं थोड़ा आपको एक तरह से डिफाइन करूँगा, दूसरा उसका इंट्रोडक्शन, थर्ड उसके यूज, ऑब्जेक्टिव्स, सिंबल्स, लर्निंग आउटकम, रिसर्च स्कोप, रेफरेंस, और कुछ क्वेश्चंस जो आपके सामने मैं रखूँगा जो आपको एज असाइनमेंट, एज ए क्विज आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले 200 प्रोसेस चार्ट, या फिर कह सकते हैं कि राइट लेफ्ट प्रोसेस चार्ट। तो अगर आप इसको पॉइंट बाई पॉइंट समझें तो इट इज़ द प्रोसेस चार्ट इन विच द एक्टिविटी ऑफ टू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर आर रिकॉर्डेड, ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा प्रोसेस चार्ट है जो कि किसी भी ऑपरेटर की दोनों हैंड से की गई एक्टिविटीयों को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। सेकंड है आपका मोशन ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ वर्कर आर राइट हैंड लेफ्ट हैंड चार्ट रिकॉर्डेड इंडिपेंडेंटली। देखिए जब राइट और लेफ्ट हैंड की बात करते हैं ना बेटा,
तो राइट हैंड का कभी भी लेफ्ट हैंड से कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका राइट हैंड 90% 95% काम करता होगा तो आपका लेफ्ट हैंड मात्र 5% काम में इंक्लूड होता होगा, ठीक है। लेकिन वो 5% इतना इम्पोर्टेंट होता है कि अगर उस प्रोसेस को मैं कंटिन्यूसली रखना है, बहुत समय तक रखना है, तो उसकी हेल्प की हमें रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। इट्स सो वेदर द टू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर आर आइडियल और मूविंग इन रिलेशन टू वन अनदर इन ए टाइम स्केल। एक टाइम स्केल के बेसिस पर बात करें, सो जब हम मोशन ऑफ बोथ हैंड्स ऑफ वर्कर की बात करते हैं तो राइट और लेफ्ट चार्ट रिकॉर्ड करते हैं इंडिपेंडेंटली, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड का जो वर्क वर्किंग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो होगा वो लेफ्ट हैंड से बेटर होगा और बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनका लेफ्ट हैंड बहुत अच्छा चलता है तो उनका राइट हैंड उस हिसाब से कंपेरिजन बहुत कम होता होगा, ठीक है। तो वो आपके डिपेंड करता है कि आपके वर्किंग सिचुएशन में आपके दोनों हाथ किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। नाउ इट्स सो वेदर द टू हैंड ऑफ द ऑपरेटर आर आइडियल और मूविंग इन रिलेशन टू वन अनदर ए टाइम स्केल। देखिए जो मैंने आपको चीज़ बताई है ना उसी को देखिए। जैसे मान लीजिए हम दोनों हाथ से काम करते हैं सपोज दैट, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल बहुत कम होता है कि हमारे दोनों हाथ एक तरह से मूवेबल सिचुएशन में है, ठीक है। एक आइडियल होगा तो दूसरा मूविंग सिचुएशन में होगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल हमारे निकल के आ जाते हैं। जैसे हमने कोई मशीन को चालू किया, ठीक है, तो मशीन को चालू करने के लिए अगर आपको मान लीजिए स्विच की ज़रूरत है तो स्विच आप दोनों हाथों से तो दबाओगे नहीं, आप एक हाथ की एक उंगली से दबा दोगे तो स्विच आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा आपका हाथ क्या है, आइडियल सिचुएशन है, मतलब कि स्थिर अवस्था में वो उसको कोई काम नहीं दिया गया लेकिन एक ने काम किया है, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को उठाना है तो आपको पता है कि अगर एक हाथ से उठाऊंगा तो उतना शायद नहीं उठा पाऊं, अगर दोनों हाथ से उठाऊंगा मैं चीज़ों को तो ज़्यादा कैपेबल हूं, ठीक है। तो ये एक टाइम स्केल के बेसिस पर हम बता सकते हैं कि कब चीज़ें आइडियल हैं और कब आप मूवेबल सिचुएशन में हैं, ठीक है, या मूविंग सिचुएशन में है। इट इज़ जनरली यूज फॉर रिपीटिव ऑपरेशंस, ठीक है। रिपीटेड ऑपरेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार आपने राइट हैंड को यूज कर लिया तो अब दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सिंपल सी बात है, एक बार यूज किया, अगर 10 बार यूज करना होगा तो 10 बार करेंगे, 20 बार करना होगा 20 बार करेंगे, वो डिपेंड करता है कि एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इट मीन्स कि इट इज एन मोशन स्टडी वेयर द मोशन आर एनालाइज इन परफॉर्मिंग ऑन एक्टिविटी, मतलब कि जो भी घटनाएं वहां पे हो रही हैं, जो भी एक्टिविटी वहां पे हो रही है, सो अगर हम एम की बात करें, द एम ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन इज टू एलिमिनेट और रिड्यूस द अनवांटेड मोशन टू मिनिमाइज एंड टू अरेंज द बेस्ट ऑफ मोशन इन ए पॉसिबल सीक्वेंस। मतलब कि इसका अगर हम एम की बात करें तो ये एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऐसी चीज़ों को जो अनवांटेड हैं, उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और जो अनवांटेड मोशन है उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, और अरेंज कर सकते हैं बेस्ट ऑफ मोशन इन पॉसिबल सिक्वेंस में, ठीक है। सो 200 प्रोसेस चार्ट इट ऑल्सो नो एज, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि लेफ्ट एंड राइट हैंड प्रोसेस चार्ट, ठीक है। फिर बात करते हैं कि एज द नेम सजेस्ट एक्टिविटी ऑफ ए वर्कर हैंडेड आर रिकॉर्डेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से, ठीक है। दिस यूजुअली कम्स इन टू पिक्चर वेन द वर्क इन्वॉल्व रिपीटिटिव एंड शॉर्ट ऑपरेशंस। सिंबल टू बी यूज आर नेम्ड एज इन अदर चार्ट बट द मीनिंग ऑफ द सिंबल आर चेंज अकॉर्डिंगली, ठीक है।
मतलब कि अगर जैसे कोई सिंबल है, ठीक है, जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो उसका सिंबल अलग है, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ रुकी हुई है रेस्ट सिचुएशन में है तो उसका सिंबल अलग है, कोई भी चीज़ अगर मूविंग सिचुएशन में है तो उसका सिंबल अलग है, ठीक है। तो जो सिंबल है आपके वो मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होती रहती हैं, ठीक है। अब हम अगर यूज की बात करें तो द 200 प्रोसेस चार्ट इज जनरली यूज फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशंस, मैंने जो बताया, ठीक है, जो ऑपरेशन रिपीट होते हैं उनके लिए। व्हेन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वर्क इज़ टू बी रिकॉर्डेड, वैसे ही अपनी एक साइकिल कंप्लीट होती है, मतलब एक अपनी प्रोसेस पूरी कंप्लीट होती है, हाँ, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग इज कैरिड आउट इन मोर डिटेल देन इज नॉर्मल ऑन फ्लो प्रोसेस चार्ट, जो आपकी फ्लो प्रोसेस चार्ट है उसमें एक नॉर्मल फॉर्म में हम उसको कैरिड आउट कर लेते हैं, ठीक है। वॉट मे बी सो एज ए सिंगल ऑपरेशन ऑन ए फ्लो चार्ट या फ्लो प्रोसेस चार्ट मे बी ब्रोकन डाउन इंटू ए नंबर ऑफ एलिमिनेटल, ठीक है, एक्टिविटी विच टुगेदर मेक अप द ऑपरेशन, हम ऑपरेशन को फिर करते हैं, ठीक। सो ये एक प्रॉपर यूज है इसका। जब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं अगर हम, तो द वेरी एक्ट ऑफ मेकिंग दिस चार्ट इनेबल द वर्क स्टडी स्पेशलिस्ट टू गेन एन, ठीक है, नॉलेज ऑफ द डिटेल ऑफ द जॉब एंड स्टडी ईच एलिमेंट ऑफ द जॉब। सो जब हम चार्ट की जब हम बात करते हैं तो वर्क स्टडी स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, और जो भी वर्कर के द्वारा काम हो रहा है उस काम में उसके दोनों हैंड्स का जो यूज है वो किस तरीके से कर दुखता है, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट की बात करते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव है इसके, तो जब हम जॉब की रिगार्डिंग मैंने आपको जो बताया, ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एक्टिविटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड, अगर हम मतलब जैसे कोई दो एक्टिविटी है उनके बीच में रिलेशन है, ठीक है, थ्रू दी वर्कर, तो उस उन एक्टिविटियों को हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चार्ट के थ्रू एक तरह से अरेंज कर सकते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से यूज कर सकते हैं दोनों हैंड का, अगर किसी पर्सन की बात होती है, ठीक है। द एम ऑफ दिस चार्ट इज एलिमिनेट टू रिड्यूस वही अनवांटेड मोशन, ठीक है, टू मिनिमाइज, ठीक है, गिव आइडियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड टू अरेंज द बेस्ट ऑफ मोशन इन द पॉसिबल सिक्वेंस, हम जो आइडियाज़ जो हमारे पास है 200 प्रोसेस चार्ट के लिए, तो हम बंदे की एक्टिविटी के हिसाब से मेंशन कर सकते हैं कि कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसका इफेक्टिव है और कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम उसका अनवांटेड है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का उसका आउटपुट नहीं है, ठीक है। अब सिंबल्स की बात करते हैं तो लेफ्ट और राइट हैंड जनरली जो यूज होते हैं वो रिपीटेड ऑपरेशन पे होते हैं, ये पता ही है, एक साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तब दूसरी साइकिल के लिए हम उसको फर्स्ट वाली साइकिल को रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसके बेस पे अगर हम प्रोसेस चार्ट सिंबल्स की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे द फॉलोइंग आर द बेसिक सिंबल यूज्ड फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड चार्ट, ठीक है, ये आपके सिंबल है जो राइट एंड लेफ्ट हैंड प्रोसेस चार्ट के लिए हम यूज करते हैं। तो इसमें नंबर एक है आपका ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन को हम सर्किल, मतलब अगर एक गोल सा सर्किल आपको दिख रहा है इट मींस कि वो ऑपरेशन का पार्ट है, ऑपरेशन मतलब कि चीज़ें मतलब काम हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, ऑपरेशन हो रहा है। दूसरा ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपको मेंशन हो रहा, ठीक है, एरो का निशान शो करते हैं हम, डायरेक्शन शो करता है किस तरफ मतलब जा रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड उसकी डायरेक्शन होगी, राइट हैंड साइड जाएगा तो राइट हैंड साइड होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्पेक्ट की, ठीक है, या इसी को हम एक तरह से इंस्पेक्शन के फॉर्म में भी रख सकते हैं। तो इंस्पेक्शन जब होता है तो एक जैसे कोई भी चीज़ को हम जब इंस्पेक्शन करते हैं किसी भी चीज़ का तो उसको होल्ड करते हैं, रोक के रखते हैं, तो एक बॉक्स के सपोज़ ये मान लीजिए कि बॉक्स के दायरे में चीज़ें अरेंज है और उनका हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डिले, डिले मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए कोई वर्किंग प्रोसेस हो रही है और आपको लग रहा है कि कोई वर्किंग प्रोसेस जो है
जो वर्किंग प्रोसेस जो है, अगर आपको लग रहा है कि वो पहले से डिले है, ठीक है, तो एट प्रेजेंट टाइम जब आपके पास वो काम पहुंचेगा तो आपको पता रहेगा कि ये ऑलरेडी डिले थी और मेरे पास डिले ये प्रोसेस होके आई है, तो उसमें कोई ऐसा कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीवियस स्टेज से डिले पर अगर मेरे पास हैंडेड ओवर ओवर हुई है तो इसका मतलब ये है कि केवल उसमें डिले एक पीरियड ड्यूरेशन टाइम है, बाकी काम उस पर ठीक है। ठीक है, तो ये कभी कभी मेंशन हो जाता है। और अगर हम स्टोरेज की बात करते हैं तो आपके सामने स्टोरेज का भी साइन दिख रहा होगा। हैंडल की बात करते हैं हम कोई भी चीज़ को, तो उसके लिए आपके सामने आपका एक सिंबल रिप्रेजेंट हो रहा होगा। और जब डिसाइड कर लेते हैं तो उसका भी सिंबल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं तो एक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्शन क्या होता है, एज एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, जैसे कट करना है, पेंट करना है, शोल्डर, पैकिंग, ये सब क्या आई ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये दिखाता है। अब इसमें ऑपरेशन में हम मशीनें यूज कर सकते हैं, जैसे लाइनिंग जब हम लेथ मशीन का यूज करते हैं तो उस पर कई टाइप के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट में हम जैसे कोई व्हीकल है या कुछ भी है, या कोई सामान ढोने के लिए कोई भी इक्विपमेंट है जिस पर हम सामान रख के ले जा सकते हैं। ठीक है, इंस्पेक्ट में मतलब जैसे इंस्पेक्शन करते हैं तो किसी चीज़ को नज़रिया ना, मतलब उस चीज़ को समझना, देखना उसमें कुछ कमी तो नहीं है, उन सब चीज़ों का पता लगाना। ठीक है, और डिले में हम क्या करते हैं, जैसे कि जैसे कोई कहीं पर कोई चीज़ को रोक दिया गया है और रोकने के बाद फिर उसको आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, स्टोरेज में हम कोई चीज़ को अरेंज करते जाते हैं एक स्टोर करते जाते हैं। हैंडल के लिए हम कोई अदर टूल्स का यूज कर सकते हैं या अपने दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सिंबल्स हैं। और लर्निंग आउटकम क्या है कि इसके कि एक तो आपके अंदर एबिलिटी जनरेट होगी 200 प्रोसेस चार्ट को समझने की। ठीक है, और द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई सिंबल ऑफ वेरियस एक्टिविटी इन द इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जो एक्टिविटी हो रही है सिंबल के बेसिस पर हम समझ सकते हैं। ठीक है, एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटी आपके लिए आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि कौन सी एक्टिविटी आपके लिए प्रोडक्टिव है और कौन सी नॉन प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो वो हम पता कर सकते हैं। एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक आप वहाँ पर यूज कर रहे हैं, उन टेक्निक्स की वजह से पूरे सिस्टम को क्या इफेक्ट हो रहा है, उसके फैक्टर्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लर्निंग आउटकम होंगे इस टॉपिक के। असाइनमेंट के तौर पर मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिए, जैसे व्हाट इज 200 प्रोसेस चार्ट। ठीक है, विच सिंबल यूज इन प्रोसेस चार्ट फॉर एन ऑपरेशन व्हेन देयर इज अ चेंज इन फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, सॉरी करेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट, मल्टीपल एक्टिविटी चार्ट में जब हम क्या कहते हैं कि जहाँ पर दो या दो से अधिक एक्टिविटी एक साथ ऑपरेट होती हैं तो उनको मल्टीपल चार्ट बोलते थे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखें तो आपका 200 प्रोसेस चार्ट आपके लिए कितना यूजबल है। व्हाट इज आउटलाइन प्रोसेस चार्ट, मतलब आउटलाइन की प्रोसेस चार्ट में भी आपका 200 प्रोसेस चार्ट का क्या एडवांटेज हो सकता है। ठीक है, तो ये असाइनमेंट या क्विज के बेसिस पर जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके सामने है। ठीक है, रिसर्च स्कोप में हम वर्किंग प्रोसेस को एज ए सेंटर पर रख के और कुछ चीज़ों को हम उनकी स्टडी करके उसमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, उसके टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, वर्कर के जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है उसको कम कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। और इंडस्ट्री किस तरह से स्मूथली चल सकती है उस पर हम काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट उस वहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिसर्च स्कोप के बेसिस पर हम इन चीज़ों पर जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, रेफरेंसेस आपके सामने जो भी है मैंने आपके सामने मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, सो एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा असाइनमेंट जो है ना इसमें थोड़े से आप लोगों को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो रिवाइज के फॉर्म में अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, 200 प्रोसेस चार्ट। 200 प्रोसेस चार्ट मतलब कि राइट एंड लेफ्ट हैंडेड प्रोसेस चार्ट, या तो आपको 200 प्रोसेस चार्ट बोल सकता है या फिर राइट एंड लेफ्ट हैंड प्रोसेस चार्ट बोल सकता है। ठीक है, इस एक्टिविटी का जो प्रोसेस है वो एक तरह की 200 प्रोसेस ऑपरेटर मतलब कि व्यक्ति द्वारा या ऑपरेटर द्वारा जो दोनों हाथों से उसके काम किए जा रहा है उस पर निगरानी रखता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस को बस समझाता है।
उसके बाद जितने भी अगर हम चार्ट की बात करें तो जो भी हम एक्टिविटी करते जाते हैं उनको जब एक स्टेप कंप्लीट होता है तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर दूसरे स्टेप को करते हैं, ताकि रिकॉर्डेड स्टेप में जो हम इंस्पेक्शन करेंगे तो अगर उसमें कुछ खामियां होंगी तो वो दूसरे स्टेप को रोक देगा। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और आपका अगर कोई चीज़ बिगड़ गई है तो वो ज़्यादा समय तक बिगड़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद हम रिलेशन जो टाइम स्केल के बेसिस पर हम बात करते हैं उसके बारे में हम पता कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज टू रिपीटेड ऑपरेशन, मतलब कि एक बार यूज कर लिया फिर आप बार बार आप अपने हैंड को यूज करते हैं, तो एक रिपीट करने वाली एक्टिविटी का पार्ट होता है। ठीक है, टू एंडेड प्रोसेस चार्ट। इंट्रोडक्शन की बात की थी तो मैंने कहा था कि जो एनालाइज करता है परफॉर्मिंग ऑन एक्टिविटी, ठीक है, एम क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, एलिमिनेट करता है, रिड्यूस कर देता है किसको, अनवांटेड जो हमारे मोशन है टू मिनिमाइज, उनको कम से कम करने की कोशिश करता है, और जो बेस्ट मोशन है उसको अरेंज करके पॉसिबल सीक्वेंस में आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, तो 200 प्रोसेस चार्ट आपके लिए एक बेनिफिशियल पार्ट हो जाता है। फिर मैंने आपसे बात की थी यूज के बारे में, तो यूज हम जब जनरली यूज करते हैं तो हम रिपीटेड वर्क को मेंशन बताते हैं, उसको करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आपके सामने किए थे मैंने कि ये चार्ट जो है वो वर्क स्टडी स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जो कि नॉलेज आपके अंदर जो नॉलेज गेन की हुई है आपने, उस नॉलेज के बेस पर जो जॉब और स्टडी है उसको एलिमेंट के बेसिस पर देखता है, और आपके जॉब को कितना सुटेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम की ज़रूरत है उसको भी कुछ हद तक आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है, और जो रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट एक्टिविटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड, द एम ऑफ दिस चार्ट इज टू बी एलिमिनेट और रिड्यूस अनवांटेड मोशन बता दिया, गिव आइडियाज टू इम्प्रूव, टू अरेंज द बेस्ट मोशन इन द पॉसिबल सिक्वेंस, एक प्रॉपर सिक्वेंस में रख देता है, आइडियाज आपको देता है। ठीक है, और सिंबल की बात करें तो मैंने आपको ये सिंबल्स बताए थे, जैसे ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट, इंस्पेक्ट, डिले, स्टोरेज, हैंडल, डिसाइड। ठीक है, तो ऑपरेशन के लिए एक सिंबल फिक्स होता है, ट्रांसपोर्ट के लिए सिंबल फिक्स होता है, इंस्पेक्शन के लिए आपका सिंबल फिक्स होता है, डिले हो तो उसके लिए इंस्पेक्स, उसके बाद स्टोरेज हो, हैंडल हो, डिसाइड हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने एग्जांपल के बेसिस पर मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और एक्शन के बेसिस पर भी आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक डिस्टेंस से दूसरे, मतलब एक डिस्टेंस को मेंशन करने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच रहा है। ठीक है, इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ टूल्स का यूज करते हैं, टूल्स के बेसिस पर हम पता करते हैं भाई कि ये चीज़ कितनी बेनिफिशियल है, कितनी बेनिफिशियल नहीं है, अगर कुछ उसमें डिफेक्ट हैं तो उन डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तभी जब इंस्पेक्शन के बाद हम अगर हमें ज़रूरत होती है तो हम उस चीज़ को डिले सिचुएशन में रखते हैं, ताकि अगर कोई गड़बड़ होगी तो वो थोड़ा डिले ज़रूर होगा, बट जो प्रोडक्ट होगा वो आपका परफेक्टली बन के निकलेगा। ठीक है, तो ये सिंबल्स थे। फिर मैंने लर्निंग आउटकम आपको बताए थे कि टू एंडेड प्रोसेस चार्ट को हम समझ सकते हैं, सिंबल्स ऑफ वेरियस एक्टिविटी को समझ सकते हैं, इन द इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पे हो रही हैं थ्रू दी सिंबल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 200 प्रोसेस चार्ट एंड एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फैक्टर अफेक्टिंग टेक्निक्स, जो टेक्निक्स वहाँ पे अफेक्ट कर रही हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन ये दिए हैं, ये क्वेश्चन आप जो मैंने मेंशन किए हैं ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना चाहिए, आपके क्विज से संबंधित, आपके एग्जाम से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है जी, और ये आपका रिसर्च स्कोप है, मैंने बताया था फील्ड के हिसाब से और वर्क सिचुएशन के हिसाब से हम एक तो वर्किंग प्रोसेस पे जाके काम कर सकते हैं, वर्क कैसे स्मूथली हो उस पर हम वेरियस टाइप की जो एक्टिविटी है या पैरामीटर्स हैं उनके बेसिस पर देख के हम उनको अलग अलग कैटेगरी में चाहें तो अलग अलग कैटेगरी में हम उन पर काम कर सकते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मैनेजमेंट को हम अरेंज कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके उसको
एक तरह से स्टार्ट करें, ये सब चीज़ों पर भी हम काम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये मेरा एक ओवरऑल रेफरेंसेस टेक्स्ट बुक आपके सामने है। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू था मेरा एक पूरा आपका 200 प्रोसेस चार्ट पे। ठीक है, और जनरली आप लोगों को सिर्फ ये चीज़ें समझना है कि 200 प्रोसेस चार्ट बेसिकली दोनों हाथों के बेसिस पर आपकी क्या एक्टिविटी हो रही है, उन एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट क्या है आपके दोनों हाथों का, इसका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, बाय द ग्राफिकली। ठीक है, सो ये कुछ रेफरेंसेस हैं। आई थिंक आप लोगों को जो मैंने 200 प्रोसेस चार्ट के बारे में बताया है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। और आगे जितने भी आपके वीडियोस मैं बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, और चाहूँगा कि आप लोग इन सभी वीडियो को देखो, देखने के बाद अगर कोई डाउट्स हों तो उन डाउट्स को अगर क्लियर करना चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप उनको डाउट को क्लियर कर सकते हैं, थ्रू दी फ़ोन कॉल, थ्रू दी व्हाट्सएप, थ्रू दी डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग, आप जैसे भी चाहें वैसे डिस्कस करके उसका अगर सॉल्यूशन चाहते हैं किसी प्रकार से तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन।